की यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई विभागों द्वारा AICTSL की बोर्ड मीटिंग का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें संभागायुक्त, जिलाधीश, निगम कमिश्नर, महापौर, विकास प्राधिकरण सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर की परिवहन व्यवस्था पर चर्चा की गई। इंदौर शहर के महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि बैठक के दौरान कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें BRTS पर 50 और नई इलेक्ट्रिक बस चलाने का निर्णय लिया गया और 40 बस अभी चलाई जा रही हैं। वहीं इन बसों में 2 बसें गुलाबी रंग की होगी, जिन्हें महिला चलाएगी। वहीं महापौर की माने तो इन बसों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जो विदेशों की तर्ज पर रहेंगे, जिसमें आधे घंटे में बस 100 किलोमीटर चलने के लिए चार्ज हो सकेगी। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में भीड़ भरे इलाके में पार्किंग व्यवस्था के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। लोक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां निशुल्क पास दिए जाएंगे, जिससे बताया जाएगा कि आप अधिक से अधिक लोक परिवहन का उपयोग करें और शहर की व्यवस्थाएं बनाए रखें। महापौर के मुताबिक शहर में करीब 8,000 लोग बाजार में अपने निजी वाहन लेकर आते हैं, जिनके कारण पार्किंग व्यवस्था बिगड़ती है। बताया गया कि रिंग रोड पर 6 स्थानों पर बस सेंटर पॉइंट बनाए जाएंगे, साथ ही मयूर नगर में बस डिपो बनाने पर भी इस बोर्ड बैठक में चर्चा हुई। बोर्ड मीटिंग थी और मेरे कार्यकाल की शायद अंतिम बोर्ड मीटिंग होगी। उसमें कई सारे निर्णय लिए गए हैं। संभागायुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, नगर निगम कमिश्नर, हमारे विकास प्राधिकरण के CEO विवेक क्षत्रिय और हमारे CEO संदीप सोनी जी, सभी हमारे अधिकारीगण इस बोर्ड मीटिंग में उपस्थित थे। उसमें कुछ निर्णय लिए हमने। BRTS पर महिला वाहन चलाएगी। हमने 2 गुलाबी बस चलाने का निर्णय लिया है, उसको महिला बस चालक चलाएगी। शहर में 50 और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूर्व में 40 बसें चल रही हैं, 50 और हम इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं। उसके लिए कई सारी चर्चा हुई। उसमें जैसे चार्जिंग स्टेशन हमको जगह जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बस 100 किलोमीटर तक चलती है और 200 किलोमीटर का रूट है, तो बीच में कहाँ हम चार्जिंग स्टेशन दे सकते हैं। और जो फास्ट चार्जिंग होता है, विदेशों में होता है या कहीं बाहर होता है, तो वो हम पूरा उसका डिटेल मंगा के जो आधे घंटे में बस को चार्ज कर देता है, ऐसा चार्जिंग पॉइंट हम बनाएंगे, ऐसी चर्चा हुई है। स्मार्ट सिटी के ABD एरिया में बड़ी संख्या में हमारे पुराने बाजार, आपने देखा जो स्मार्ट सिटी का एरिया है वो पुराना है, और वहाँ पर सभी लगभग व्यापारी और वहाँ जो काम करते करीब 8,000 के लगभग लोग हैं, वो सभी अपने व्हीकल दिन भर रखते हैं। जैसे खरीदी करने आता वो व्यक्ति तो थोड़ी देर रखता है, लेकिन जो दुकान पर बैठता वो दिन भर उस व्हीकल को वहां रखता है। तो उनको हम जो हमारा लोक परिवहन है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, उसके लिए हमने निःशुल्क पास की भी व्यवस्था की है, ताकि वो लोग बसों से आए और अपना वाहन घर रख कर आए, तो काफी हमारे ट्रैफिक में हमको फायदा मिलेगा। जिस प्रकार से पूरा ट्रैफिक से हमारा पूरा एरिया जाम हो जाता है, तो अधिक से अधिक पब्लिक परिवहन का उपयोग करें। ये हमने सर्वे करवाया, करीब 8,000 लोग जैसे उस एरिया में हैं। ACTSL की बोर्ड मीटिंग जो है वो आयोजित की गई थी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ट्रैफिक से रिलेटेड और अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो डिसीजन हुआ है कि 400 एक्स्ट्रा सिटी बसेज हम लोग बहुत जल्दी ही चलाना शुरू करेंगे। ये नॉन एसी बसेज होंगी, 9 मीटर्स वाली बसेज होंगी 400, और इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग इस तरीके से करी जा रही है कि नगर निगम या ACTSL के ऊपर इसका कोई भी वित्तीय भार जो है वो नहीं आएगा। जो शासन से सब्सिडी हमको मिल रही है 43% की, केवल और केवल वही लगेगी। उसके अलावा उसका ऑपरेशन और उसका जो प्रोक्योरमेंट है वो पूरी तरीके से एजेंसी के जिम्मे होगा और इसमें ACTSL का कोई भी खर्च नहीं आएगा। तो एक तरीके से हमारे जीरो खर्च पे 400 बसेस जो है वो शहर को इसकी सौगात मिलने वाली है, इसका ACTSL की बैठक में निर्णय हुआ है।
इसके अलावा एक प्रमुख निर्णय कि BRTS पर पिंक बसेस जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में एक या दो बसेस चलाई जाएंगी जो पूर्णतः महिलाओं के लिए ही आरक्षित होंगी, और इसमें हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि जो ड्राइवर हैं वो भी महिला ड्राइवर्स को ट्रेन करके ही रखा जाए। एक इससे महिलाओं में सुरक्षा का भाव भी पैदा हो, और प्लस एक ये शुरुआत हो जिसको हम लोग आगे और जिनकी संख्या बढ़ा सकें वो प्रयास करने के लिए आज बोर्ड की बैठक में डिसीजन हुआ है। तीसरा, जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, ऑटो रिक्शा जो ई रिक्शा हैं, उनकी पॉलिसी पे विचार विमर्श हुआ है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि हम लोगों को ई रिक्शाज की संख्या एक तो बढ़ानी है शहर में, नंबर वन, जिससे कि एंड माइल कनेक्टिविटी दी जा सके। अगर किसी को बस पकड़नी है या कहीं पे जाना है तो उसको अपनी कॉलोनी से बहुत ज़्यादा चलना न पड़े, बहुत जल्दी ही उसको ई रिक्शा मुहैया हो जाए, और जो पहले से ई रिक्शा चल रहे हैं उनको रेगुलेट भी किया जाएगा, जिससे कि सभी एक या दो रूट पे ही रिक्शा न चले, उनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे लोगों को सहूलियत हो। तो ये कुछ प्रमुख निर्णय हैं जो आज की बैठक में लिए।